सर एक्चुअली uh, मैंने आपका देखा था एक सेशन uh, जिसमें गेम ऑफ लाइफ आप कह रहे थे गेम है लाइफ उसमें आप कुछ सेशन ऐसे होते हैं जिसमें वेक छोड़ देते हो आखिरी में एकदम मतलब लोग खुद समझे ये आप हमेशा करते हो मतलब जो सेशन जैसे हैप्पीनेस वाला आपने सेशन बनाया था उसमें एक, एक चीज़ आपने आखिरी में ये छोड़ी सर कि uh, जो लाइफ है जैसे जिस हम मरने के बाद में सब कुछ ख़त्म है सॉफ्टवेयर ख़त्म बॉडी ख़त्म लेकिन कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती तो क्या रह जाती है या तो सर वो दो चीज़ें रह सकती है एक है जो सर आप सेशंस वगैरह कर रहे हो जहाँ से जो एजुकेशन uh, है जो भी आप सिखा रहे हो लोगों को वो काफ़ी सालों तक रह जाएगी या तो एक ये चीज़ है या एक हम ख़त्म हो जाएंगे तो जो हमारी बॉडी पार्ट मतलब जो भी चीज़ है वो पाँच तत्वों में विभाजन हो जाएगा तो इन दो चीज़ों के अलावा क्या आप उससे uh, मतलब करना चाहते थे क्या बताना चाहते थे उसके अलावा ये मैंने सोच समझाओ हाँ, हाँ मैं ये दोनों ही नहीं कह रहा था ना तो बॉडी का कुछ बचेगा बॉडी तो या तो जल जाएगी या मिट्टी में मिल जाएगी ना ये नॉलेज एजुकेशन ठीक है ये एक लेवल तक रहेगी बट वो नॉलेज जो मान लो इस माइंड से निकल करके आपके माइंड में आ गई तो वो आपकी नॉलेज है वो आपका थाट है आप ये नहीं कहोगे मेरे माइंड में जो थाट आ रहा है ये वहाँ से आया है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरे माइंड में जो थाट है वो कहाँ से आए हैं तो थॉट किसी का नहीं होता है थॉट आगे से आगे पास ऑन होते रहते हैं और ये हजारों सालों से हो रहा है ऐसा नहीं है ना जो भी मैं बोल रहा हूं या जो भी मैंने सीखा वो मैंने खुद सब कुछ सीखा है मैंने भी किसी ना किसी से सीखा है अलग अलग लोगों से आप भी मेरे जैसे और लोगों से सुन रहे हो समझ रहे हो बुक्स पढ़ रहे हो तो वो चीज आगे से आगे बढ़ती रहती है उस पर किसी का कब्जा नहीं है जो ये कह रहा है कि वो मेरा थॉट है मेरी नॉलेज है वो आदमी इगोइस्टिक है वो कहता है कि ये तो मेरी नॉलेज है मेरे सेशन में जो मैंने बोल दिया वो तो मेरा ओरिजिनल थॉट है उसको बोलो अभी घूचू तेरे अंदर कहां से आया इतना अहंकार कहां से आ गया तेरे अंदर कि तू कह रहा है मेरा है तूने भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखा है तेरी भी तो किसी ना किसी ने मदद करी है तो तू किसी पे मदद करके एहसान थोड़ी ना कर रहा है तू किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर करके कोई उनका भला थोड़ी कर रहा है तू भी तो सीख रहा है ना कहते हैं टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस समझ गए तो पहले तो इस अहंकार को हमको छोड़ना है बॉडी का क्या है बॉडी तो मिल गई जहां से आई थी वहीं की वहीं चली गई पांच तत्वों में जिसकी आपने बात करी तो बात करते हैं और क्या बचा रह जाता है कुछ है जो बचा रह जाता है वो मैं अभी शॉर्ट में आपको नहीं बोल सकता हूं उसके लिए आपको पॉइंट कर सकता हूं अगर आपको एक्चुअल में जवाब चाहिए अगर ये क्वेश्चन आपने एक्चुअल में पूछा है सिंसियरली पूछा है और आपको सच में जवाब चाहिए कि भाई ये क्या रहस्य है क्योंकि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं इस चीज़ का बहुत लोगों ने पास्ट में बात करी है सारे रिलीजन्स किसी ना किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं उपनिषद पढ़ोगे तो वहां पर एक तत्व की बात करी गई है तो कोई तत्व है जो मिटता नहीं है सुनिए ना ये सब बातें कि जिसको आग जला नहीं सकती है वायु सुखा नहीं सकती है जल भिगा नहीं सकता है कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता है तो वो क्या है सोचो तो ये सारी बातों में अगर आपका इंटरेस्ट है कोई जबरदस्ती नहीं है ये नहीं है कि सबको ये जानना ही है क्योंकि अगर अभी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम पैसा है तो उधर ध्यान दो फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब पैसे से आप थोड़ा ऊपर उठ जाओगे फिर दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी तो ठीक है नहीं तो अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं कुछ लोग हैं दुनिया में वो क्या है उनका काम धंधा ही यही है वो कहते हैं दुनिया में कुछ पड़ा ही नहीं है इसी में सब कुछ पड़ा है तुम यही करो वो आपको क्या कर रहे हैं धोबी का कुत्ता बना रहे हैं आप ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे क्योंकि वहां तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कुछ मिलता नहीं है जो भी है वो सब कुछ चला जाता है उसी का नाम रियल स्पिरिचुअलिटी है आपका मैम मिट जाता है तो वो एक अलग दुनिया है उस दुनिया में उसको एंटर करने का हक है जिसने इस दुनिया में एक पर्टिकुलर लेवल पे अपने लिए अपने परिवार के लिए जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा कर लिया है उससे जो भाग रहा है उसके लिए नहीं है स्पिरिचुअलिटी भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण उसको कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जा वहां पे जाकर के बैठ जा क्या कह रहे हैं लड़ ये तेरा धर्म है समझ रहे हो तो वो बोल उनको रहे हैं लेकिन अर्जुन के थ्रू वो आपको बोल रहे हैं कि जो अपना काम है पहले वो तो करो अच्छे से अगर अपना काम ही अच्छे से नहीं कर पाओगे तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है इस बात पे चल करके भी क्या कर लोगे वहां से भी भाग जाओगे जो भगोड़ा है वो तो हर जगह से भागेगा भागता ही रहेगा पूरी जिंदगी तो भागना नहीं है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे कभी नहीं भागना है बीवी चाहे जितना मर्जी तंग कर रही है नहीं भागना है घर छोड़कर तो अब अगर सवाल उठता है आप एक्चुअल में जानना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है उसके लिए वेद है उपनिषद है बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उसके अलावा अगर आपको मेरे से ही सुनना है तो आपसे हाँ देखो मैं पता लग रहा है आपकी शक्ल से नहीं मैं तो आपसे ही सुनना है मुझे तो मुझे किसी और से नहीं सुनना मुझे कुछ नहीं पढ़ना आप ही बता दो और वो भी एक मिनट में बता दो तो भाई देखो ऐसा नहीं होता है उसके लिए समय लगता है तो उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है यूट्यूब पर उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है मेरा एक मेन चैनल है जहाँ पे मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ जैसी आज हमारी डिस्कशन हो रही है एक मेरा स्पिरिचुअलिटी चैनल है संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के नाम से तो वहाँ आप मेरे को किसी और रूप में देखोगे और दोनों जरूरी है अब आप कहोगे आप एक्चुअल में क्या हो वहाँ जो हो या यहाँ जो हो अरे दोनों ज़रूरी है इस दुनिया में सर्वाइव करना भी ज़रूरी है उसके लिए पैसा भी ज़रूरी है काम धंधा भी ज़रूरी है परिवार भी ज़रूरी है सब कुछ जरूरी है अगर किसी इंसान ने सबको अच्छे से मैनेज कर लिया फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है जैसे दो तरह के लोग हैं एक जिनको वो नहीं मिला है जो वो चाहते हैं तो पहले उनको मिलने का रास्ता दिखाना है कि भाई पेट तो भरे भूखे पेट भजन कैसे होगा भूखे पेट अगर आप बैठ गए यहां पे और मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लग गया किसी काम की है वो आपका ध्यान तो अपनी भूख की तरफ है तो पहले आपकी भूख का इलाज होना चाहिए वो कहां से होगा पैसे से होगा पैसा कहां से आएगा काम धंधे से आएगा तो वो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है यानी इस दुनिया की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए मेरा मेन चैनल है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग वही है नाइनटी नाइन परसेंट लोग वही है एक परसेंट लोग ऐसे हैं जो इससे आगे भी कुछ जानना चाहते हैं कुछ समझना चाहते हैं वो सबके लिए नहीं है उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है जिसने अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सक्सेस को या लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड को या अपने सर्वाइवल को कंफर्टेबल सर्वाइवल को इंश्योर कर लिया है और एक तरीके से वो फ्री हो गया है तो खाली दिमाग शैतान का घर तो अब दो ऑप्शन है या तो वो प्लेजर्स में एंडल्ज हो जाए कि रोज रात को अपना चार दोस्त इकट्ठे हुए गाड़ी में बैठे दो चार लवली लवली लगाया घर गए गाली गलोच करा सो गए घर वालों ने भी कहा ये तो पागल है इससे कौन मुंह लगेगा ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ये एक तरीका है जीने का अगर ऐसे जीना चाहते हो कोई बात नहीं फिर आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं है दुनिया की किसी किताब की जरूरत नहीं है आप खुद एक चलती फिरती किताब हो ऐसे लोगों के ऊपर मूवीज बननी चाहिए पता नहीं क्यों बनती क्यों नहीं है सारे ऐसे लोगों क्यों बनती है जिन्होंने कुछ अचीव किया है जो कुछ नहीं कर रहे हैं कितना बड़ी चीज होती है कुछ नहीं करना सोचो डेली रात को घंटे तक दो चार छोटे छोटे चलाना और और बैठे रहना इधर उधर की ऐसी बातें करना जिसका कोई सरपैर ही नहीं है और अगले दिन सब भूल जाना फिर अगले दिन फिर दोबारा से वही सारी बातें करना उन्हीं लोगों के साथ और अपनी जिंदगी तीस चालीस साल तक ऐसे ही जीना सोचो कितनी बड़ी चीज है सब नहीं कर पाते ये कुछ ही लोग कर पाते हैं ये कुछ ही लोगों में टैलेंट होता है उन लोगों को भी एक दर्जा मिलना चाहिए हमारी सोसाइटी में कि देखो जी ऐसे भी लोग हैं मोटिवेशन की आग ऐसे वो खुद एक मोटिवेशन है उन्हें किसी मोटिवेशन की अरे मैं उनको क्या सिखाऊंगा वो मुझे सिखा देंगे तो भाई तू इधर आ इधर बैठ पहले तो लगा दो फिर हम तुझे बताते हैं तू क्या बताएगा अरे भाई सबसे कुछ नहीं होता असली जिंदगी ये है मजे मारो कल किसने देखा है सारा ज्ञान है उन लोगों के पास में एक ना एक दिन सबने मर जाना है सब मोम आया है अरे तो खाओ पियो मजे मारो शराब शबाब कबाब तो ये एक तरीका है जीने का 99 परसेंट लोग तो रेस में भाग रहे हैं यानी अभी उनको कुछ पाना है कुछ बनना है मान लो एक ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहां पे के माहौल बहुत खराब है आपके पास में एक छोटी सी गाड़ी है उस पर भी कभी कोई स्क्रैच मार के चला गया रोज की किल्लत रोज की लड़ाई झगड़े कभी पैसे को लेकर के टेंशन तो पहले तो आपको वहां से निकलना है तो 99 परसेंट लोग तो अभी उस रेस में भाग रहे हैं तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है नहीं तो वो भटक जाएंगे बहुत बुरे तरीके से और बहुत लोग हैं दुनिया में जो भटका रहे हैं इस वक्त और वो बहुत खतरनाक है उन लोगों की इमेज ऐसी है आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं वो क्या कर रहे हैं ये उनका काम है काम सिर्फ वो नहीं होता जो बिजनेस होता है अगर कोई आपसे पैसा लेकर के अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो उसका काम हो गया तो अपने काम में हर एक को अपना कस्टमर समझ रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता है पहले देखना होता है कि ये जो मेरा काम है ये किसके लिए है एलिजिबिलिटी देखनी होती है ऐसा नहीं ना कोई भी उठ करके आ जाए कि भाई मुझे एनलाइटेंड होना है अच्छा एनलाइटेंड होना है चल बेटा दस हजार रुपए डोनेशन दे आ जा बैठ जा अच्छा अब क्या करें गुरुजी अब बैठा रहे सुनता रहे शादी करें नहीं कोई शादी वादी नहीं करनी पहले खुद को जान ले बाद में शादी करियो अच्छा बच्चे करें ना ना कोई बच्चे बच्चे नहीं करने पहले खुद को जान ले फिर करियो चालीस साल का हो गया अब क्या करें अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले अब वो आदमी किसी काम का नहीं है घर पे उसकी कोई इज्जत नहीं है यहीं पे थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है वो भी तब तक मिलेगी जब तक उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया है जब कर लेगा तो पता लगेगा वहां भी लोग हैं वहां भी पॉलिटिक्स है तब ना तो वो घर जा सकता ना उसकी शादी होने की वो बंदा बेचारा फंस गया वो अब कहीं का नहीं रहा तो ऐसे लोगों से सावधान रहो मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि तो आप लोगों को लगता है कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं लेकिन अगर जिसमें दिमाग होगा वो, वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूं ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं मार्केट में दुनिया में हर तरह के लोग हैं कोई है जो मुंह पे बोलते हैं आकर के कि भाई हम तो बदमाश हैं वो बढ़िया है कम से कम आपको पता तो है कि भाई इन लोगों से दूर रहना है दूसरे तरह के लोग हैं जो आकर के बोलेंगे और अपने आप को ऐसे शो करेंगे कि सारी दुनिया जान का ज्ञान उन्हीं के पास में है और आप हाथ जोड़ करके उनके पास में बैठ जाओगे फिर आपको ऐसा नचाएंगे ऐसा घुमाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है आपका अपने काम धंधे में भी मन नहीं लगेगा वहां के भी गए घर परिवार में मन नहीं लगेगा वहां से भी हटा देंगे मतलब ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई ही नहीं है बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल तो सावधान रहो ये जो आपने सवाल पूछा है ना मैं उसी सवाल का जवाब आपको क्लियर तरीके से दे रहा हूं बिना किसी का नाम लिए तो ये जो स्पिरिचुअलिटी वाली बातें हैं कि क्या बचा रह जाता है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है जिंदगी क्या है मौत क्या है पुनर्जन्म क्या है होता है नहीं होता कर्म क्या है फल क्या है ये सारी जो बातें हैं सब जरूरी है लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जैसे कोई बच्चा अभी नर्सरी में है उससे आप पीएचडी लेवल की बातें करोगे क्या अरे पहले उसको ट्वेल्थ पास कर लेने दो बैचलर्स कर लेने दो फिर उसके बाद बात करेंगे ना मास्टर्स के लेवल की हर एक से थोड़ी ना हो जाती है बातें बच्चों को तो अब कन्फ्यूज कर दोगे उल्टी सीधी बातें करके तो ये सौ में से एक इंसान के लिए है अब आपको देखना है पहले तो कि क्या आप उस एक इंसान में हो या नहीं हो? अगर हो तो मेरा एक स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल भी है जहां पे मैंने खुल करके जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी की चाहे सही है चाहे गलत है कोई अहंकार नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही पत्थर की लकीर है अरे ना भैया मेरी अपनी जो समझ है वो मैंने वहां पे शेयर कर दी है सुन लो मुझे सुन लो और बहुत लोग हैं उनको भी सुन लो जहां जो समझ आता है अपने माइंड में उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को जी लो